लखनऊ में साइबर क्राइम सेल हजरतगंज की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि साइबर सेल की टीम ने सीओ हजरतगंज के नेतृत्व में ऐसे लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की है जो अमेजॉन कंपनी के सामान बुक करवाकर ऑर्डर को कैंसिल कर पैकिंग के डिब्बे में कबाड़ भरकर करोड़ों रुपए की ठगी करते थे, जिसके बाद पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से नकदी समेत भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक उपकरण और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। तो पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और ये अमेजॉन कंपनी के बॉक्स में गलत सामान भर के लोगों तक पहुंचाते थे। जब पुलिस को इस बारे की जानकारी हुई तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए इन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और जेल भेज दिया है इन अपराधियों को। साथ ही पुलिस मामले की छानबीन कर रही है कि क्या आगे भी इनके साथ कोई आरोपी है जो इनके साथ सहयोग कर रहा है। तो अमेजॉन कंपनी के डिब्बों में सामान भरकर ये ठग बेचा करते थे और उसके बाद ठगी करते थे, लोगों से पैसे ऐंठते थे। और जब पुलिस को इस बात का पता चला तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए इन आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस अभी मामले की छानबीन कर रही है। लखनऊ की ये पूरी घटना है जहां साइबर क्राइम सेल की टीम ने ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और ये ठगी करने वाला गिरोह अमेजॉन के बॉक्स में सामान भर के लोगों के पास भेजता था और जब लोग इस सामान को खोलते थे तो उसके अंदर से कबाड़ निकलता था। वहीं पुलिस को इनके पास से नकदी और भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक सामान भी बरामद हुआ है। ये काफी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी एसएसपी सर को कि ये लखनऊ में एक रैकेट इस तरह से काम कर रहा है जो अमेजन के प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते हैं और उसके बाद जो रिफंड पॉलिसी है उसमें सामान को रिटर्न करके और फिर उसमें उसकी जगह पर फर्जी या कम गुणवत्ता का सामान वापस कर देते थे और पैसा पूरा वापस ले लेते थे। इस पॉलिसी का फ़ायदा उठा के ये लोग काफ़ी समय से यहाँ कार्यरत थे और संपूर्ण देश में इन्होंने घूम फिर के अपराध किया है। ये अभी साइबर सेल की टीम है हमारी, ये डीएसपी अभय हैं, इनके नेतृत्व में ये गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश के देवास में हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना बीती रात की है जब भोपाल रोड पर सर्किट हाउस के पास बागड़ी मोहल्ला राधागंज के 3 लोग बाइक पर सवार होकर घर जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी जिससे 3 की मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है।